राजधानी रायपुर में बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र के लावांडी से सामने आया है। यहां एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी। शहर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। रायपुर के लावांडी में बुधवार सुबह 11:30 बजे गोली चलने की एक घटना हुई। उड़ीसा सुंदरगढ़ से आए आरोपी अमन शर्मा ने रायपुर के व्यापारी संदीप कुमार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में व्यापारी संदीप के सीने में गोली लगी। घायल व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले की जानकारी SSP प्रशांत अग्रवाल ने कुछ इस तरह से दी है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में आज सुबह 11:30 बजे के आसपास एक गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें जो एक नल व्यापारी होना बताया जा रहा है संदीप कुमार, उसके ऊपर गोली चली है। जो आहत है वो अभी हॉस्पिटल में है, इलाजरत है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आरोपी अमन शर्मा जिसने गोली चलाई है वो सुंदरगढ़ उड़ीसा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास जो फायर आर्म था जिससे गोली चलाई वो भी बरामद हो गया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद वो स्पष्ट हो पाएगा कि इस पूरी घटना के पीछे की कहानी क्या थी, क्या कारण था, किस वजह से घटना हुई। जो फायर आर्म था वो देसी कट्टा वो टाइप का था, तो लाइसेंसी वेपन वो नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर लाइसेंसी वेपन तो नहीं था। आरोपी बाहर का रहने वाला है और अभी उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी उसने बताया है उसको भी क्रॉस चेक किया जा रहा है ताकि घटना का सही कारण पता चले, तो देर शाम तक चीज़ें सारी स्पष्ट हो जाएंगी ऐसी उम्मीद है।